बीएसएनएल और एमटीएनएल है, पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। आज सरकार ने कहा कि वो एयर इंडिया का विनिवेश करेंगी, इन तीन कंपनियों का आप क्या करेंगी जिनके पास कम से कम 60% 50% घाटा है पूरे पीएसयू यूनिवर्स का? देखिए पहले आप एक बात जान लीजिए, मैं बीएसएनएल एमटीएनएल घाटे में है इसको मैं कभी ना नहीं करता हूं, मैं उसको सुधारने आया हूं और सुधारूंगा जैसा 3 साल पहले सुधारा था। 1.5 लाख लोग काम करते हैं बीएसएनएल में, वो सरकारी कर्मचारी थे तो पेंशन देना पड़ता है। वही एयरटेल में 20,000 लोग काम करते हैं, वोडाफोन में 9,000 लोग काम करते हैं, तो क्या हम सरकार के इस ऑब्लिगेशन को बीएसएनएल छोड़ दें? नेपाल में अर्थक्वेक आता है, कश्मीर में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में साइक्लोन आता है और हाल में उड़ीसा में तूफान आता है तो बीएसएनएल सबसे पहले फ्री देता है, अनगिनत जब तक किसी की सामान नहीं होती है बाकी लोग देते हैं क्या? तो चाहे वो डिफेंस हो या होम मिनिस्ट्री हो या सिक्योरिटी हो या सरहद की बात हो, ये हमारे काम करते हैं, इसलिए हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि फेयर कंपटीशन के लिए भी जरूरी है कि एक सरकारी कंपनी हो, तभी मामला ठीक चलता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं सुधारने की, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी मैं उसको आपके सामने नहीं बताऊंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसको ठीक कर पाऊंगा। जहां तक पोस्ट की बात है, श्रीमान तिवारी की हर चीज को आप फायदे नफे से मत सोचिए, आज भी हमारा पोस्ट कार्ड सस्ता है, हमारा अंतर्देशीय पत्र सस्ता है, उसकी छपाई उसकी रंगाई और उसका कॉस्ट में बहुत अंतर है, लेकिन वो एक सामाजिक सेवा हम करते हैं सस्ते में। डाकिया हमारा एक बहुत बड़ा प्रतीक है भारत सरकार का गांव गांव में। हमने क्या किया, ये जो पूरा आपका रिटेल मार्केट आया है, डिजिटल रिटेल मार्केट, उसकी डिलीवरी में पोस्ट ऑफिस को लगाया है तो उनका काफी इनकम आगे बढ़ा है इसको, और अभी हमने पोस्टल पेमेंट बैंक शुरू किया है। तो हर चीज को नफा नुकसान से मत देखिए, लेकिन से कहूंगा एक से बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकों से हजारों लेकर के भाग भी जाती है, तो कई चीजें देश के लिए सरकार को करनी पड़ती है। 53 से भी ज्यादा बार टैक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे बर्ड क्लाउड से पता चला है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्सपर्ट्स ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि क्या वाकई एक स्लोडाउन से हिंदुस्तान गुजर रहा है, और इसी से जुड़ा सवाल कि अगर स्लोडाउन